छत्तीसगढ़ के गंडई में विकास के कई मुद्दों को लेकर सामान्य सभा की बैठक हुई, जिसमें तीन मुद्दे पारित नहीं हुए। पत्रकारों को बैठक में नहीं बुलाने को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। हालांकि सीएमओ प्रमोद शुक्ला ने कहा कि हो सकता है भूलवश ऐसा हो गया हो, अगली बार ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें कि दयालु साहू के फर्जीवाड़े के खिलाफ फाइलें कलेक्टर राजानंद गांव के पास लंबित हैं। आज की बैठक के खास विषय गांधी पंडरिया से बहेरा भाटा तक डामरीकरण एवं 14वें वित्त अंतर्गत कार्य रहे। नगर की सफाई को लेकर कार्यवाही जारी रखने की बात बैठक में कही गई। वहीं पिछली बैठक के 23 विषय पर भी चर्चा हुई। बैठक में अध्यक्ष श्यामपाल, ताम्रकार, सीएमओ प्रमोद शुक्ला, महेश दास रात्रे, बालक दास डहरिया, जाबिद खान, लियाकत अली, दिलीप ओगरे, भिगेश यादव, नीलम चंद्रिका, नामदेव, सूरज नामदेव, निर्मला साहू, क्रांति ताम्रकार मौजूद रहे। गंडई से संवाददाता राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सबसे पहले सर ये बताइएगा, आज नगर पंचायत में सामान्य सभा की बैठक थी, पिछली बार भी आपसे एक क्वेश्चन किया था मैं, क्या सामान्य सभा की बैठक में क्या मीडिया वालों को इससे दूर रखा जाता है? आपने कहा था नहीं। इस बार उस बार आपने कहा था बुलाया जाएगा, मगर इस बार भी किसी भी पत्रकारों को सामान्य सभा की बैठक की कोई खबर, कोई जानकारी नहीं दी गई। हम अपने से आए, वजह क्या है? यानी पत्रकारों से आप लोग क्या छुपाना चाहते हो, जो लोगों के सामने, जनता के सामने मुद्दे ना आ सके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है छुपाने वाली। उसमें हो सकता है कि उसमें अब भूलवश ऐसा हो गया हो। कितने बार भूल होती, पिछले बार भी तो आपने यही कहा था। हो सकता है अगली बार से चर्चा करें। सेकेंड ये है कि अभी पार्षद एक नंबर के वार्ड नंबर एक के पार्षद जी बोल रहे हैं कि दयालु साहू का जो एक मामला है उसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ, उसमें क्या हुआ अभी तक? उसमें तो जांच समिति कलेक्टर साहब के द्वारा गठित कर दी गई थी, जो जांच करके अपना प्रतिवेदन ले गई है, उसमें जो भी उसका निर्णय आया उसी के ऊपर से कार्रवाई होगी। मतलब अभी कलेक्टर साहब के पास पड़ा हुआ है। पिछली बार 29 या 27 विषयों में चर्चा हुई थी, उसमें से कितने कार्य किए गए, कितने अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं? पिछली बार कई कार्य 27 या 29 कार्यों में यहाँ सामान्य सभा की बैठक में चर्चा की गई थी, उसमें अभी तक कितने कार्यों में हुआ है और कितना अभी रुका हुआ है? सभी कार्यों में ना प्रक्रिया जारी है और कार्रवाई के तहत काम पूर्ण कर किए जा रहे हैं। आज सामान्य सभा की बैठक में खास विषय क्या था? खास विषय तो ये था, डामरीकरण रोड का था, गांधी चौक से बहेरा पाटा तक डामरीकरण कार्य 45 लाख, ये सबसे बड़ा खास कृषि विकास का मुद्दा था, ये सर्वसम्मति से पास हो गया। दो कार्य हैं शायद आज के उसमें जो मेन है, एक बहेरा से पंडरिया से बहेरा तक रोड का और एक और कुछ है, दूसरा क्या था? दूसरा जो है ये 14वें के अंतर्गत काम थे, विभिन्न काम थे। लॉकडाउन में नगर की बहुत अच्छी सफाई का कार्यक्रम चल रहा था, आपको भी देखो आज भी निकलते थे, हर तरफ ध्यान दे रहे थे। लॉकडाउन के बाद से नगर का गंदगी के मामले में फिर वही हाल है, कई जगह नाली नाले फिर जाम हो गए हैं, रोड फिर गंदी नजर आ रही है, कहीं कीचड़ नजर आ रहा है, कहीं कुछ नजर आ रहा है। तो सफाई के मामले में नगर पंचायत ध्यान क्यों नहीं दे रही, वजह क्या है? सफाई के मामले में ध्यान दे रही है, नियमित रूप से सफाई करा रही है, उसके अलावा भी अतिरिक्त यदि कोई शिकायत प्राप्त है उसको कार्रवाई की जाती है। चलिए नाम और अपना नाम और मेरा प्रमोद शुक्ला, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.